हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रीन चिली सॉस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ग्रीन चिली सॉस हम घर में बनाते हैं, ये हमारे बहुत काम आती है और बाजार से बहुत सस्ते दामों पर पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हमने ग्रीन चिली ले ली ताजी और इसको धोकर इसकी डंठल हमने छील कर आगे से और इसको हमने खूब अच्छे से धो धा के इसको कुकर में भर दिया। फ्रेंड्स, हमने आधे किलो मिर्च ली है और ये कुछ लहसुन लिया है गार्लिक, जिसे हमने छील के इसको डाल दिया है। साथ में ये हमने जिंजर लिया है तो जिंजर भी छील कर हमने इसको डाल लिया है और आधा कप पानी डालकर हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए, 5-6 सीटी लगने के बाद हमारा ये खुल के कुकर कुछ इस तरह से हो गया है। इसमें अभी पानी है, इसको हम पानी को बिल्कुल सुखा लेंगे। पैन सुखाने के लिए हम इसे गैस पर रख देते हैं। जब ये पानी सूख जाएगा उसके बाद हम इसे इसको फिर ठंडा होने के बाद में इसको हम पीसेंगे। 2 स्पून नमक डाल देते हैं इसमें और 4 स्पून शुगर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मिर्च का बैलेंस करने के लिए हमें चीनी डालनी बहुत जरूरी है, जिससे ये हमारा मिर्च का बैलेंस हो जाएगा और हमें इसका बढ़िया टेस्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका पानी सूख जाना चाहिए। ये पानी अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये हमारी सॉस ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसका पानी सुखाना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसका पानी सूख जाता है तब आप पीसेंगे इसको। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, इसे हमने मिक्सी के जार में पीसने के लिए डाल दिया है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम अपना उसका विनेगर है जो हर जगह मार्केट में मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें हम अपना 2-2 चम्मच विनेगर डालते रहेंगे और इसे पीसते रहेंगे बार बार। फ्रेंड्स चलिए इसे हम पीसते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है। हम इसे आपको बाउल में निकाल के दिखाते हैं। आप देखिए, ये चाइनीज डिश में तो काम करती ही है, पकौड़ी के साथ में, चीले के साथ में। फ्रेंड्स इसे हम सूप में भी डालकर पी खाते हैं और अपना स्वाद बढ़ाते हैं। आप देखिए कितना सुंदर लुक आ गया है। इसे हम सॉस की बोतल में भर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये बोतल है, ये सॉस की बोतल है। हमने इस सॉस की बोतल को उबाल कर धोकर और इसको सुखा दिया है। बिल्कुल इसको धूप में सुखा कर हमने इसको बिल्कुल पानी से इसको निकाल दिया है, जिससे हमारी सॉस खराब ना हो। फ्रेंड्स, ये आधा किलो सॉस में 1 किलो ये बोतल तैयार हो गई है और हमारी सॉस ये बाउल में बची हुई है। फ्रेंड्स, ये सॉस हमारी कभी होगी, इसको हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं और बाद में हम चाहे इसको हम कैसे ही खाएं। फ्रेंड्स, ये सॉस चाहे हम चटनी के साथ चटनी के रूप में यूज़ करें, हम इसको सूप में भी डाल सकते हैं, हम इसे चाइनीज़ डिश में भी डाल सकते हैं और ये फ्रेंड्स ये हम सब्जी में भी इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी ये डिश पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।